नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं शेखर उप्पल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। अन्नदाता की परेशानियां कम होते ही नजर नहीं आ रही हैं। कभी वे प्रकृति की मार झेलता है तो कभी महंगाई की या फिर प्रशासन की। कुल मिलाकर यूं कहें तो अन्नदाता परेशानियों के साथ ही पैदा होता है और अपना पूरा जीवन परेशानियों में ही गुजारता है। एक और राज्य सरकार ने किसानों की फसल को खरीदने के लिए कई योजनाएं तैयार कर रखी हैं, लेकिन इन योजनाओं के बावजूद भी अन्नदाता परेशान है। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार गल्ला मंडी में किसानों एवं ट्रैक्टरों की भीड़ को कम करने के लिए गोपालपुरा स्थित दशहरा मैदान पर सभी ट्रैक्टरों को टोकन दिए जाने हैं, जिसके उनकी फसल समय रहते एवं आसानी से तुल सके। इसके बावजूद भी किसान परेशान है। गोपालपुरा में जहां एक और मंडी प्रशासन द्वारा किसानों को बैठने के लिए टेंट लगा रखा है, वो टेंट भी ऐसा कि पूरा फटा हुआ है, जिसमें बैठने की व्यवस्था भी नहीं की गई है। हालांकि टेंट वाले ने अपनी तरफ से नीचे एक दरी बिछा रखी है, लेकिन वे दरी भी हवा के चलते उड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं किसानों का आरोप है कि मंडी के अधिकारियों का कहना है कि टेंट किसानों के लिए नहीं बल्कि अधिकारियों के बैठने के लिए लगवाया गया है। मजबूरी में किसानों को इधर उधर थोड़ी बहुत छांव देकर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि गोपालपुरा में जहां एकमात्र पेड़ है जिसके नीचे छांव मिलती है, वहीं सभी किसान इकट्ठे होकर बैठे दिखे गए। वहीं किसानों का आरोप यह भी है कि पानी की कोई भी व्यवस्था यहां नहीं की गई है। जो पानी का टैंकर मंगवाया गया है उसमें भी पीने योग्य पानी नहीं है, जिसकी शिकायत उन्होंने मंडी प्रशासन के कर्मचारियों से भी की, लेकिन उसका कोई भी हल नहीं निकला। ना ही पीने का पानी आया, ना ही वो बदबूदार पानी वाला टैंकर वहां से हटाया गया। वहीं पानी का टैंकर सेप्टिक टैंक के पास रखा हुआ है, जहां किसानों की माने तो खड़ा होना भी दुर्भर है। मजबूरी में अन्नदाता शौचालय में धूप से बचने के लिए बैठा हुआ है। वहीं किसानों की यह भी आरोप है कि मंडी में टोकन देने के नाम पर पैसों की मांग की जा रही है। जो पैसा दे देता है उसकी ट्रैक्टर को पहले रवाना कर दिया जाता है। वहीं कुछ किसान ऐसे भी हैं जो सुबह सर आकर वहां खड़े हुए हैं, जिनके बाद आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली को मंडी में मंडी प्रशासन के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से जल्दी तोलने के लिए भिजवा दिया गया है। करेंगे हम 20-25 आदमी इनको टेंट वहां मांगे कहां से, और जे तो देखो ये लेटरिंग में बैठे हैं, छाए के वजह से व्यवस्था ही नहीं, छाए और जब पानी कोई पी के देखे जाए इतनी जोर से बदबू आ रही, गटर को क्या बोलते हैं नाले को पानी लेके आ रहा है या फिर को ला लेके आ रहा है। टेंट में इतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, कहाँ है कि वहाँ मटकी नहीं है कोई, और ऊपर से छाए नहीं है और नीचे से ही बिछौना नहीं है, कहाँ पे बैठा हुआ गिर गया, फट गया, फट गया था, फट गया, कहाँ है भाई, तो लगाओ ही नहीं है वहाँ व्यवस्था ही नहीं है, मतलब गिर गया। पानी की व्यवस्था जी टैंकर करवे जामे, बदबू आ रही पानी। इनका एक नंबर था, मेरा दूसरा नंबर था, लेकिन चार नंबर पे मेरा ट्रैक्टर आ गया। तुम्हारा चार नंबर है, लेकिन इनके बगल में रहा है ट्रैक्टर, बगल में रहा है, दो नंबर आना थी, दूसरा आना था, चौथा नंबर आ रहा है, और चौथा नंबर आ रहा है, लेकिन इनके बगल में रहा है, बिल्कुल बगल में, पांच चेंटा हुए। हमारी बात वहां सुबह से बैठे एक किसान से हुई, जिसका कहना था कि उसके पास मैसेज 12 मई का आया था, जबकि मंडी प्रशासन के कर्मचारियों ने उसे टोकन देने से मना कर दिया। उसे कहा गया है कि तुम्हें टोकन 13 तारीख को मिलेगा। वहीं किसान इस संशय में है कि क्या 13 तारीख को भी उसकी तुलाई हो पाएगी या नहीं। उसका कारण यह है कि 13 तारीख यानी कि 13 मई को रविवार पड़ रहा है, जिसके चलते मंडी बंद रहती है। वहीं 12 मई के मैसेज की अगर वो 13 मई को तुलवाने जाएगा, 13 मई को मंडी में छुट्टी होने के चलते उसकी फसल नहीं तोली जा सकी थी, जिसके बाद 14 मई यानी कि सोमवार को ही उसकी फसल को तोला जा सकेगा। वहीं किसान का यह भी कहना है कि इस चक्कर में 3 दिन उसको यहां रुकना पड़ेगा, जबकि गोपालपुरा में ना ही पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही कुछ खाने की। वहीं इस हालत में किस तरह से किसान यहाँ 3 दिन रुक पाएगा, ये तो किसान ही जाने। मेरा नाम बनवारी लाल धाकड़। कौन से गांव से आए? बरखेड़ा ब्रिज से आए। तो बताएं, जब जो टेंट पे जगह बना रखी है तो आप फटाफट टेंट लगा हुआ है, उसमें कोई व्यवस्था भी नहीं है बैठने के लिए, ना छाया है, और वो मंडी के कर्मचारी आते हैं वो कहते हैं ये तो हमारा हम लोगों के लिए बैठने के लिए है, और 20-25 तक नहीं काटेंगे। हमारा मैसेज आज पूरे गाँव का है, करीबन 75-80 ट्रैक्टर हैं और 20 ट्रैक्टर से ज़्यादा का पर्ची नहीं काट रहा, और मैसेज हमारा 12 तारीख का है और कह रहा है कल काटेंगे।
पर कल जैसा हमारा मैसेज आज का और कल इन्हें पर्ची नहीं काटी, हम लोग तो तीन रोज से पड़े हुए हैं। और कल रविवार है। पानी की व्यवस्था क्या? पानी की सड़ा पानी है मंदा, जो पीने के योग्य नहीं है। और लेटरिंग के टैंक के पास में टैंकर रखे हैं, पानी की बदबू आ रही है इसमें। आप इस जगह को देखो कितनी खतरनाक जगह है, यहाँ कोई खड़ा भी नहीं हो सकता इतनी गंदी जगह में। ये पानी का टैंकर रखे गए हैं। क्या नाम है? शासन है या प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है किसानों के हक में। वहीं इन सब आरोपों के लिए हमने मंडी कर्मचारी से बात करना चाहिए तो उसने कहा कि किसानों के आरोप सभी निराधार हैं, क्योंकि मंडी प्रशासन ने किसानों के बैठने के लिए टेंट की व्यवस्था भी की है, साथ ही पानी की व्यवस्था भी है। अब वहां अगर किसान ना बैठे तो उसमें वो क्या कर सकते हैं? ये ट्रालियां भरने जो है, शासन की तरफ से कलेक्टर साहब के निर्देश थे कि मंडी जो पूरे दशहरे मैदान में ट्रालियां लगवाई जाएं और यहां से टोकन द्वारा छोड़ी जाए मंडी में। मंडी में अपन 10-10, 20-20 जैसे वहां पे तुल जाती हैं, उसके बाद अपन इनको 10 और 20 के लॉट में छोड़ देते हैं। वहां पे उसके सैंपलिंग के अनुसार फिर प्रक्रिया में लेके तुलाई चलती है। यहाँ टोकन अपन इसलिए दे रहे हैं कि उनके निर्देश है कि बगैर टोकन के वो मंडी में अंदर ट्राली नहीं। किसानों का ऐसा आरोप भी है कि पैसे मांग के पहले तोल देते हैं जल्दी ट्राली। ऐसा कुछ नहीं है। अब समिति वालों का कोई अगर इसमें वो हो तो हमें नहीं मालूम उसका। हम लोगों की तरफ से मंडी वालों का कोई उसमें वो नहीं है। लाइन लगाना, हमारे केवल आपसे ये कि आप ट्राली लगवा रहे हैं विधिवत और यहाँ से 10-10, 20-20 का लॉट छोड़ रहे हैं, जैसे वहाँ खाली हो जाता है फिर छोड़ देते हैं अपन। अच्छा अच्छा, ठीक है। लेकिन जब हमने वहाँ मौके का जायजा लिया तो समझ में आया कि ना ही किसान झूठ बोल रहे हैं और ना ही मंडी प्रशासन के कर्मचारी। बस अंतर यह है कि सुविधाएं देने के नाम पर जो खाना पूर्ति गल्ला मंडी प्रशासन के द्वारा की गई है उससे किसानों को कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है। आरोन में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं के साथ की जा रही है धोखाधड़ी। बिना बिजली के कनेक्शन और बिना बिजली के ही उन्हें थमाए जा रहे हैं हजारों के बिल। ये वाकया है आरोन ब्लॉक के ग्राम साडर सराई का, जहां विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को खुलेआम चूना लगाया जा रहा है। गाँव वालों ने बताया कि उनके मोहल्ले में कई वर्षों से लाइट ही नहीं है, वहीं फिर भी उन्हें हर महीने बिजली का बिल थमाया जा रहा है। जब भी वे बिजली विभाग जाते हैं तो बिजली विभाग के कर्मचारी उनसे यही कहते हैं कि पहले पिछला बिल जमा कर दो, उसके बाद बिजली पहुंच जाएगी। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि उनके क्षेत्र में बिजली के कनेक्शन भी नहीं है, वहां बिजली कैसे आएगी और बिल कहां से भरें? इस विषय की पुष्टि करने के लिए जब हमने सुपरवाइजर सतीश से बात करना चाहे तो उसने साफ मना कर दिया, साथ ही कैमरे को देख कर वे अपना मुंह छुपाते हुए भी नजर आए। समझ से परे है कि क्यों बिजली विभाग के कर्मचारी गरीब किसानों एवं ग्रामीणों को इस तरह से चूना लगा रहे हैं। लाइन में ने क्या बोला आपसे? तो आपने जे तो बोलना था कि भैया जब लाइट ही नहीं आ रही बिल हमको तो जमा करो पहले जाके इधर। नहीं तो कितने दिन से आ रहे हैं बिल आपके पास? कितने महीने से? 4 महीने। कितने का बिल है? 212 रुपए हर व्यक्ति का था। जिनके नाम पर कनेक्शन है। मीटर लगी है आपको? मीटर नहीं लगी। मेरा कनेक्शन के बीपीएल धारी हो आप, है ना? सब जितने हो आप सब बीपीएल धारी हो। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। डीजियाना की खबर का हुआ असर, नगर पालिका ने खरीदे 2 शव वाहन। डीजियाना न्यूज लगातार जिला चिकित्सालय में शव वाहन की कमी के चलते वहां पर होने वाली परेशानियों को उजागर करता आ रहा है, साथ ही इस हेतु खबर भी प्रकाशित की जा चुकी है कि किस तरह से गरीब लोगों को शव वाहन न होने के चलते
परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में नगर पालिका प्रशासन द्वारा आज दो शव वाहन खरीद लिए गए, जिसके चलते किसी गरीब को आगे से किसी शव वाहन की कमी की वजह से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अक्सर देखा गया है कि जिला चिकित्सालय में जो कोई गरीब लाचार व्यक्ति इलाज कराने के लिए आता है, वे अधिकतर वह लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। अक्सर देखा गया है कि जिला चिकित्सालय में वही लोग निशुल्क इलाज कराने आते हैं जिनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं होती। वही इलाज के दौरान किसी गरीब की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजनों को शव घर तक ले जाने के लिए पैसा भी देना पड़ता है। हालांकि ये पैसा डीजल डलवाले के नाम से लिया जाता है, जिसके चलते कई बार कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस गरीब के पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं हो, वो शव वाहन में डीजल डलाने के लिए पैसा कहां से लाएगा। आज इन सब बातों को विराम देते हुए नगर पालिका ने आखिर खरीद लिए दो शव वाहन। अब उम्मीद की जा सकती है कि गरीब लोगों को कम से कम शव ले जाने के लिए किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। डीजीआना न्यूज शुक्रिया अदा करता है नगर पालिका प्रशासन का, जो उन्होंने दो शव वाहनों की खरीदी की। भारत यात्रा के दौरान प्रत्येक जिले में भारी उत्साह के साथ जिन समाज सेवियों ने मदद की, उन सभी का धन्यवाद। समाज सेवी ओएन शर्मा के निवास स्थान पर कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन से मनीष शर्मा ने किया। 11 सितंबर से कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन की तरफ से भारत यात्रा का आयोजन किया गया था, जो कि देश भर में निकाली गई थी। इसी कड़ी में प्रत्येक शहर, जिला, नगर, तहसील, कस्बे में भारत यात्रा को सफल बनाने के लिए जिन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे बहुत सारे साथियों को एक नए नए तरीके से कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ कार्यक्रम आपके आदेशानुसार हम लोग करते रहते हैं। कैलाश जी का भी बड़ा स्नेह रहता और बड़ा गौरव की बात है कि मुझे हमारे बड़े भाई आदरणीय मोहन शर्मा जी का सानिध्य और स्नेह और मार्गदर्शन मध्य प्रदेश में हमेशा मिला है, क्योंकि आप हमारे नेता हैं। मध्य प्रदेश के सारा ये हो नहीं सकता, जो भारत यात्रा हमारी हुई है, आपको जानकर के अच्छा लगा कि आज भी हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर्स थे आदरणीय शर्मा जी, कन्याकुमारी तक पहुँचे उस कार्यक्रम में जहाँ से हमारी भारत यात्रा स्टार्ट होती थी 11 सितंबर को। और मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ भी ये यात्रा गई, साउथ के रास्ते हम लोग जो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के रास्ते हम लोग इंदौर में, कुशवाहा साहब, बीएस कुशवाहा, ग्यारह सितंबर से कन्याकुमारी से स्वामी विवेकानंद के स्मारक से भारत यात्रा का आयोजन माननीय कैलाश सत्यार्थी जी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के नेतृत्व में किया गया था। उस यात्रा में समाज का पूरा सहयोग और सभी उनकी फाउंडेशन के द्वारा देश के मूल जगह से होते हुए मध्य प्रदेश में आया था और मध्य प्रदेश में अपने इंदौर में प्रवेश करके और उसके बाद से मुरैना के पास से राजस्थान में प्रवेश किए थे। तो मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ पे भी उस यात्रा के साथ में लोगों ने कार्यक्रमों में सहयोग किया, उनके कार्यक्रमों के साथ जुड़े, कार्यक्रम को भव्य बनाया, उस विचार को जन जन तक पहुँचाने में अपना सहयोग किया, उस विचार को व्यापक बनाया, ऐसे सभी लोगों से उनके कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन से उनके प्रतिनिधि के रूप में मान्य श्री मनीष शर्मा जी आए हुए, वो उन सबका धन्यवाद। और उसके बारे में कि उस यात्रा के बाद आज मतलब देश में उसको किस तरह से लिया गया, सरकारों के द्वारा कैसा संज्ञान लिया गया, वो सब बताने के लिए वो यहाँ आए थे। इसी संबंध में सभी को आमंत्रित किया था जो लोग यहाँ अपने नाम है भारत यात्रा के कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने सहयोग किया है, वो सब आज हम लोग यहाँ आए। अटल दिवस एवं शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया 11 मई। अटल दिवस के रूप में मनाई गई 11 मई की शाम 11 मई 1998 को पोखरण में एक के बाद एक 5 परमाणु परीक्षण करने से पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था भारत ने। वहीं इस परीक्षण के 20 साल पूरे हो जाने पर गुना में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस दिवस को अटल दिवस के रूप में मनाया। वहीं स्थानीय जयस्तंभ चौराहे पर आतिशबाजी चलाकर एवं मुंह मीठा कराकर इसको मनाया गया। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। जब जब भाजपा सत्ता में आई है, अटल मोदी कमल निकाल, राष्ट्रभूमि का मान बनाने, राष्ट्रभूमि का मान बनाने।
18 मई 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने राजस्थान के पोखरण में 5 सफल परीक्षण किए थे, एक के बाद लगातार 5, और अन्य देश जो महाशक्तिशाली देश हैं उन सबको ये बता दिया था कि भारत भी एक महाशक्तिशाली देश है, और भारत को उन महाशक्तिशाली देश की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे देश का मान सम्मान गौरव विश्व पटल पर बढ़ाया था। इस दिन 11 मई 2018 को हम लोग 20 साल पूर्ण होने पर गुना जिले में सभी भारतीय अंतर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सब लोग मिलकर ढोल नगाड़े आतिशबाजी के साथ इस दिवस को गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं, अटल दिवस के रूप में मना रहे हैं। और भारतीय अंतर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सभी जन जन तक, नवयुवकों तक एवं इस गुना जिले के सभी नागरिकों तक ये संदेश देना चाहते हैं कि 11 मई 1998 को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इतिहास में भारत के विश्व पटल को प्रथम पंक्ति में ला दिया था। शनिवार और रविवार में बैंकों के अवकाश होने के चलते लोगों को आ रही है पैसा निकालने में खासी मुश्किलें, जिसका मुख्य कारण है भारतीय स्टेट बैंक के एटीएमों का काम ना करना। बता दें कि अक्सर बंद पड़े रहते हैं एसबीआई के एटीएम। शहर भर में मुख्य स्थानों पर लगे एटीएम मशीनें आज भी खराब पड़ी थी, जिसके चलते लोगों को पैसों की निकासी करने एवं उनको जमा करने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। एसबीआई की मुख्य ब्रांच जो कि एबी रोड पर स्थित है, उसके पास में लगी मशीनों पर भी आज इसी तरह का स्टिकर देखने को मिले, जहां पर लिखा हुआ था कि एटीएम बंद है, निकासी एवं जमा नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में परेशानी तो ग्राहक को होती है, जाए तो जाए कहां, क्योंकि पैसा निकालने के लिए एटीएम बंद पड़े हैं। अगर दूसरे ब्रांच से निकालता है तो उसको ट्रांजेक्शन चार्जेस लग जाते हैं, साथ ही 2 दिन बैंक का अवकाश है। अब सारे जमा और निकासी होंगे सोमवार को, ऐसे में किस तरह से उपभोक्ता अपना समय गुजर करेगा ये तो वो ही जानता है। आपने कहावत तो सुनी होगी, दिया तले अंधेरा, ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है नगर पालिका की इमारत में। शहर को स्वच्छ रखने का काम करती है नगर पालिका, इसके साथ ही शहर को स्वच्छता के नए आयामों को छूने की बात भी करती है नगर पालिका, लेकिन सिर्फ ये बातें दूसरों के लिए होती हैं, शायद नगर पालिका खुद को अमल में नहीं लेके आती। ऐसा ही एक नजारा आज देखने को मिला नगर पालिका में। अक्सर नगर पालिका की तरफ से कहा जाता है कि शहर को स्वच्छ बनाने में नगर पालिका की मदद करें, अक्सर नगर पालिका की तरफ से कहा जाता है कि शहर को स्वच्छ बनाने में नगर पालिका की मदद करें, और नगर पालिका खुद ही गंदी हो जाए तो उसे कौन साफ करेगा। ऐसा देखने में आ रहा है पिछले कई दिनों से नगर पालिका के परिसर में दूसरी मंजिल पर, जहां पर एक वाटर कूलर रखा हुआ है जिसमें से लगातार पानी रिस रहा है, जिसका रिसाव इतना तेज है कि पानी अंदर कक्षों तक जा पहुंचा है। इन सभी कक्षों में जहां लोग, अधिकारी, कर्मचारी एवं आम जनता प्रत्येक दिन आती है, वहां भी पानी भरा पड़ा हुआ है। नगर पालिका क्यों इसको साफ नहीं कर रही है ये तो समझ में नहीं आता है, जबकि नगर पालिका शहर को स्वच्छ बनाने के भरपूर दावे भी करती है। इसके साथ ही सीढ़ियों पर भी रेत से भरे हुए बोरे पड़े हुए हैं, साथ ही रेत भी पड़ी हुई दिखाई दे सकती है। ऐसा लगता है कि मानो नगर पालिका में कोई कार्य चल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि नगर पालिका में इन दिनों किसी भी तरह का कोई मरम्मत का कार्य नहीं चल रहा। जब अपने आप में ही इतनी गंदी हो नगर पालिका को, तो शहर को कैसे स्वच्छ बना सकती है।
यह तो सोचने वाली बात है। नगरपालिका की इमारत में इतनी गंदगी शायद इस वजह से भी हो सकती है कि नगरपालिका के सारे सफाई कर्मचारी शहर को साफ करने में लगे हैं। अब देखने लायक होगा कि क्या हमारी खबर का असर नगरपालिका प्रशासन पर होता है, क्या वो कर पाएगी अपनी इमारत की साफ सफाई जिस तरह से शहर को स्वच्छ बनाने की बातें की जाती हैं, क्या अपनी इमारत को भी नगरपालिका साफ कर पाएगी, यह देखने लायक होगा। डीजियाना में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।